सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक चल रहा है, सेट बी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक के हमने इजीली किए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने समझे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। आपको एक इक्वेशन रखे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, कह रहे देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको मैं एक अदर एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, आप जरा समझे। सपोज दैट के इक्वेशन आपको दे रखी है 3 - 4x, आप इसको ध्यान से समझेंगे। एक इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल टू 3 + 4x, दोनों इक्वेशन का मैं कंपैरिजन करके आपको समझा रहा हूँ। देखो, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 - 8, देन -5 हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, x की वैल्यू को मैं 2 से कितना कर दिया, मैंने 3 कर दिया, बढ़ गई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 4 × 3, देन 3 - 12, देन हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर y का कोफिशेंट पॉजिटिव था, यहाँ पर x का कोफिशेंट -4 है, इनके साइन दोनों के कोफिशेंट के क्या अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन से क्या हुआ कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, घटेगी। -5 से -9 जो है ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, x की वैल्यू मैंने 2 की, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 × 2, देन 3 + 8 वैल्यू हो जाएगी 11, और x की वैल्यू मैंने 3 ली है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 3, देन वैल्यू हो जाएगी 3 + 12, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। हम देख रहे हैं जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं, इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और y के जो कोफिशेंट हैं उनके साइन क्या है, सेम है, और यहाँ पर x और y के जो कोफिशेंट है उनके साइन क्या है, अपोजिट साइन है। यहाँ पर प्लस है, तो इसका कोफिशेंट कितना है, माइनस है। तो यहाँ पर जो है ये जो कोरिलेशन कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन जो है, इसका मान -1 आएगा, और यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का मान कितना आएगा, +1, बिकॉज ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब वाई बराबर ए प्लस बी एक्स में एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वो -1 - 1 होगा, -1 - 1, जब जब बी लेस देन 0 होगा। -1 कब होगा, जब बी लेस देन क्या होगा, 0, और +1 कब होगा, जब बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बिकॉज आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है वाई का कोफिशेंट 1 है और एक्स का कोफिशेंट क्या है, बी है। यदि दोनों ही पॉजिटिव साइन के होंगे, दोनों ही एक ही साइन के होंगे, तो कोरिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बी यहाँ पर वाई का कोफिशेंट +1 है, तो एक्स के कोफिशेंट को +1 होने के लिए 0 से ग्रेटर देन होना पड़ेगा बी को, इसलिए हमारा जो है कोरिलेशन कोफिशेंट कितना होगा, +1, और यहाँ पर क्या होगा, -1। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है कि कब कोरिलेशन पॉजिटिव होगा और कब कोरिलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया, ऑप्शन सी जो है, इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल टर्म्स है एक्स और वाई, इनमें कोरिलेशन कोफिशिएंट किस तरह से होगा, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ आर इज इक्वल टू 0.6 देन कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशंस। देखो, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले को ही आप यूज में लोगे। इसका फॉर्मूला होता है 1 - r² और r क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है। ये आपको फॉर्मूला पूछ भी सकता है एग्जाम में, ये एक अलग से क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ऊपर क्वेश्चन में r की वैल्यू देख के आपसे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन पूछ भी सकता है। तो r की वैल्यू जब मैं रखता हूँ 0.6 का होल स्क्वायर, देन 1 - 0.36, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.64। तो 1 में से 0.36 को जब मैं माइनस करता हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.64, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हम देखते हैं कि ऑप्शन में आंसर कौन सा इसको सेटिस्फाइड करता है। तो ऑप्शन में आंसर डी इसको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने, फॉर्मूला बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, u + 5x = 6 दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है u + 5x = 6 के,
और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखा है 3y-7b = 20। देखो दो इक्वेशन दे रखी है एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसका एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल यू है फर्स्ट इक्वेशन का, और सेकंड वेरिएबल सेकंड इक्वेशन में एक वेरिएबल वाई है और एक वेरिएबल क्या है बी है। एक्स का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल का रिलेशन सेकंड इक्वेशन के एक वेरिएबल से रखा है, ठीक है ना। देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था उसमें तो यू और एक्स में आपस में रिलेशन था, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन में एक्स का रिलेशन वाई से रखा है। देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई को हमने सर्च किया तो एक्स एंड वाई हमको मिला, एक्स तो मिला फर्स्ट इक्वेशन में, वाई मिला सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। इनका जो कोरिलेशन कोफिशियंट आपको दे रखा है 0.058, ओके। और कह रहे हैं देन व्हाट वुड बी द कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन यू एंड बी, हमको यू एंड बी का कोरिलेशन कोफिशियंट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड तो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें दोनों क्या है, दोनों दोनों प्लस साइन है, इसमें दोनों क्या है, एक तो प्लस है, एक क्या है माइनस है, ओके। जैसे हम देखते हैं, मान लो सपोज करो कि इसमें दोनों वेरिएबल टर्म्स हमने एल एस लेफ्ट हैंड साइड में लिया, इसमें दोनों वेरिएबल टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, ठीक है ना। इसके बाद एक्स और वाई के दोनों के साइन क्या देखे मैंने, पॉजिटिव थे, क्या थे पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, बट अदर जो वेरिएबल्स हैं जो बचे हुए वेरिएबल हैं उसमें इसका कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो इसका कोफिशियंट कितना है नेगेटिव है। तो इससे हमको ये रिजल्ट में पता चलेगा कि यू और वी के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशियंट है वो रहेगा तो 0.58 सेम रहेगा, लेकिन साइन इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। साइन इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्ट वे में ये बता सकते हो कि क्या कोरिलेशन कोफिशियंट होगा। देखो यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है, दोनों प्लस के, इसमें एक प्लस का एक क्या है माइनस का, ऑलरेडी अपोजिट हो गया, तो इसका कोरिलेशन कोफिशियंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये तो इसका शॉर्टकट मेथड है, और इसका जो कंसेप्ट है वो ऐसे होता है, फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल होगा बी डी अपॉन बी की पॉजिटिव वैल्यू डी की पॉजिटिव वैल्यू कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन यू एंड बी। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और जो है बी और डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं उसको मैं आपको फाइंड करना और बता देता हूँ, डायरेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसको फाइंड हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यू की पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6, ओके। और जो है एक्स भी क्या होना चाहिए, एक्स का कोफिशियंट भी क्या होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए, इसलिए यू इज इक्वल टू इसमें से माइनस 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 6 अपॉन 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ यू इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5। इस तरह से मैं इसको U को क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। और ये जो है U के नीचे जो वैल्यू होती है ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से सेकंड इक्वेशन जो है हम V को सोल्व करते हैं, इससे मैं 7V जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3y-20, ओके। ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर के क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। देन वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आ जाएगा 7V, 3 कॉमन ले लेते हैं, वाई माइनस 20/3, और v जो आ जाएगा 3/7 y-20/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू y-20/3/7/3, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, d की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आई हमारे पास -7/5, और d की वैल्यू हमारे पास आई 7/3। देन आर एक्स वाई की वैल्यू हमारे सामने दे रखी है 0.58, यहाँ पर बी की वैल्यू रखता हूँ -1/5 7/3 अपॉन -1/5 की पॉजिटिव वैल्यू और 7/3 की पॉजिटिव वैल्यू आर यू एंड बी, तो 0.58 यहाँ पर आ जाएगा -1/5 7/3, और ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1/5 और 7/3 आर यू वी, ये वैल्यू कैंसिल, तो मेरे पास जो रिलेशन आता है वो आता है 0.58 इक्वल हो जाएगा माइनस रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन
कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी, देन आर यू बी कोरिलेशन कोफिशेंट बिटवीन यू एंड बी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.58। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ। बाकी मैंने आपको बहुत इजी वे में एक ही लाइन में बता दिया है कि यहाँ पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इस यू एक्स और वाई के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशेंट होगा, यू और वी के बीच में जो कोरिलेशन कोफिशेंट होगा उसका अपोजिट साइन हो जाएगा। वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों स्टेप में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, खूब मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू।